हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आर के नारायण के द मिसिंग मेल। तो आर के नारायण को थे, इनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी जो कि काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी लोगों के थ्रू पसंद की गई थी, जैसे मालगुड़ी डेज है, एस्ट्रोलॉजिस्ट डे है। तो ये सारी स्टोरी इनकी काफ़ी पॉपुलर स्टोरीज थी। मालगुड़ी डेज क्या है? मालगुड़ी डेज एक कह सकते हैं एक जो राइटर है उसका बनाया हुआ एक काल्पनिक शहर है या एक काल्पनिक एरिया है जहाँ पर इन्होंने अपनी सारी स्टोरी को प्लॉट किया है। मालगुड़ी देश में आपको 8 to 9 स्टोरी है जो कि इसी इलाके में इसी इलाके पर कंस्ट्रक्ट की गई हैं, ठीक है। तो हम आते हैं द मिसिंग मेल पर। द मिसिंग मेल क्या है, इसकी समरी क्या है? तो सबसे पहले हम समरी जानते हैं क्या है। देखिए, इसमें मेन 3 कैरेक्टर हैं। एक आपका पोस्टमैन है थानप्पा, और एक दूसरा कैरेक्टर है रामानुजन, एंड तीसरा कैरेक्टर है कामाक्षी। तो ये 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक और कैरेक्टर है जो रामानुजन के छोटे भाई का रहता है, ठीक है। तो ये कौन है, जो पोस्टमैन है थानप्पा, ये पोस्टमैन रहता है और लोगों को पत्र पहुंचाता है, ठीक है। तो अपने रामानुजन से इसकी काफ़ी दोस्ती हो जाती है, उसके घर पे इसका काफ़ी आना जाना रहता है, एकदम घर की तरह। और रामानुजन की जो बेटी होती है कामाक्षी, ठीक है, कामाक्षी कौन होती है, रामानुजन की बेटी रहती है। तो थानप्पा का कामाक्षी के साथ बहुत ही गहरा संबंध रहता है, ऐसा लगता है कि उसकी वो सगी बेटी है, ठीक है। कामाक्षी दिखने में काफ़ी सुंदर होती है और वो उसी पोस्टमैन के सामने ही वो बड़ी होती है, यंग हो जाती है। तो पोस्टमैन का उस लड़की से भी काफ़ी अटैचमेंट होता है, और अपने बाकी रामानुजन के घर से थानप्पा का काफ़ी अटैचमेंट रहता है। और अपने इस एक और कैरेक्टर है रामानुजन के भाई का, जो कहीं बाहर रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, और वहाँ से वो अक्सर पत्र लिखते हैं, और थानप्पा उनका पत्र ले जाके देता है रामानुजन को, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब कामाक्षी बड़ी होती है तो उसकी शादी की बात होती है, तो बड़ी मुश्किल से उसका कहीं रिश्ता होता है, शादी होती है। तो लास्ट में क्या होता है कि उसके शादी हो रही होती है, शादी के लिए भी थानप्पा ने ही उसके लिए बताया था रिश्ता वगैरह, और लास्ट में बड़ी मुश्किल से शादी हो रही होती है। तो एक पत्र आता है कि उसके भाई की, रामानुजन के भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो वो पत्र जो है वो नहीं देता है, ये जो पोस्टमैन उसको पत्र, रामानुजन को पत्र नहीं देता है, ये सोचकर कि वहाँ पर जो शादी का माहौल है, एक बहुत ही अच्छा माहौल है, वो बहुत ख़राब हो जाएगा और कामाक्षी की शादी में अड़चन आ जाएगी। तो ये सोचकर पोस्टमैन जो है वो पत्र नहीं देता है। लास्ट में जब कामाक्षी की शादी हो जाती है तो ये पत्र लाकर देता है, तो रामानुजन काफ़ी अपसेट होता है कि अगर तुमने ये पत्र दे दिया होता तो उस टाइम मैं शादी ही नहीं करता, बल्कि अपने भाई की डेथ पर पहुंच जाता। तो पोस्टमैन ने कहा इसी वजह से मैंने आपको नहीं दिया कि शादी का जो माहौल है वो ख़राब हो जाएगा। तो जो मिसिंग मेल का मतलब ही है कि अपने कुछ पत्र जो है ना मिस हो गया था, टाइम पर नहीं पहुंचा, ठीक है। लेकिन वो टाइम पर क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि ये जो पोस्टमैन है वो नहीं चाहता था कि वो जो शादी का माहौल है वो ख़राब हो, ठीक है। तो इसमें इस स्टोरी में मेन जो यही चीज़ें बताई गई हैं कि लोगों का जो अटैचमेंट या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अभी हम PPT में थोड़ा सा देखते हैं। तो द स्टोरी द मिसिंग मेल इज़ अ मिरर ऑफ़ द सोसाइटी। ये स्टोरी जो है वो सोसाइटी का एक तरीके का मिरर है, जिसमें आप उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको देख सकते हैं, जो कि आपके बात करती है। इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट हाफ द सेंचुरी में जो उस टाइम की जो सोसाइटी है वो दिखाता है कि उस टाइम की कैसी सोसाइटी थी। इट टेल्स अस विविडली अबाउट द लाइफ एंड साइके ऑफ पीपल ऑफ स्मॉल टाउन फॉर होम द ह्यूमन रिलेशन इज ऑलवेज ऑफ टॉप प्रायोरिटी। जहाँ पर लोग इतना काम के पीछे नहीं बल्कि ह्यूमन रिलेशन जो होता था वो चीज़ें सबसे टॉप पर रखते थे, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो इस तरीके से जो थानप्पा था उसकी नौकरी भी जा सकती थी, अगर रामानुजन कंप्लेन कर दे तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी
परफॉर्म नहीं की, लेकिन थानप्पा ने फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ के लिए दी है, रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि वहाँ का माहौल ना ख़राब हो जाए, इसलिए उसने पत्र को लेट पहुँचाया। द पोस्टमैन इज़ कंसर्न फॉर द मैरिज ऑफ कामाक्षी एज शी इज़ हिज ओन डॉटर। वो मेन कंसर्न, पोस्टमैन का मेन कंसर्न था क्या था कि जो कामाक्षी है उसकी शादी ठीक तरीके से हो जाए। शी इज़ हिज़ ओन डॉटर, जो कि उसकी खुद की बेटी के जैसे थी। ही टेक्स द अनपार्डनेबल लिबर्टी टू हाइड द टेलीग्राम ऑफ द डेथ ऑफ रामानुजन्स अंकल सो दैट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ कामाक्षी इज सोलमनाइज्ड पीसफुली। ठीक है, इसीलिए उसने जो रामानुजन, यहाँ पे अंकल दिया हुआ है, हालांकि वहाँ पे भाई की बात हो रही है कि ये चाचा किसका था, कामाक्षी का चाचा था। तो कामाक्षी का जो चाचा है उसकी डेथ की खबर रामानुजन ने इसीलिए हाइड कर दी थी, छुपा दी थी, ताकि वहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ ना पाए। ठीक है, तो इस स्टोरी में मेन जो है ना, जो दिखाया गया है, जो एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, यानी कि उस टाइम के जो हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी के लोग थे वो किस टाइप के थे कि वो लोग ह्यूमन रिलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, और लोगों से अगर रिलेशन बना दिया है तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो आर के नारायण हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को बताया है, दर्शाया है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, और हाव भाव का एकदम सिंपल, जैसे गाँव के लोग होते हैं तो वैसा दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।